कल हम लोगों ने कई सारी ट्रेजेडी के बारे में बात किया था, कल नहीं परसों किया था शायद ना, नहीं कल ही किया था, अनुसरण अनुकरण अनुशासन। अगर उसमें सब ठीक ठीक होता है तो बच्चा स्व अनुशासन में चला जाता है, आत्मविश्वास से जीने लगता है, लेकिन अगर उसमें वो ठीक ठीक नहीं होता है, ट्रेजडी होती है कई तरह की, तो उससे वो जाता है द्रोह में, फिर विद्रोह करता है, फिर धीरे धीरे युद्ध सहना संघर्ष बढ़ता है, फिर मामला युद्ध तक चला जाता है। और युद्ध में या तो दोनों निपट जाते हैं या कोई एक निपट जाता है ना, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी अगली पीढ़ी भी उसी जाल में फंस जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो फंसता चला जाता है। तो कल हम लोगों ने उस पर करीबन एक घंटे बात किया था विधिवत, कि वो ठीक कैसे होगा और उसका क्या उपक्रम है। तो कल उस पर काफ़ी विधिवत बात हुई थी, तो वो पूरी बात को अब रिपोर्ट रिपीट कर पाना आज संभव नहीं है, संभव आपका स्वास्थ्य नहीं रहा था, आप नहीं आ पाए, इसलिए ये प्रश्न बन गया। और हम लोगों को ये अनुमान रहता ही है, इसलिए जब भी ये कार्यशाला शुरू होती है तो कम से कम 5 से 6 बार ये प्रार्थना करते हैं। ये पूरी बात आपस में एकदम जुड़ी हुई है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। बीच के अगर कुछ बात छूट जाती है और फिर आगे का कुछ आता है तो बीच में जो है एक गैप सा दिखाई देता रहता है, और ये कई सालों से हम लोग देखते हैं, इसलिए एक प्रार्थना करते हैं कि पूरी बात को किया जाए तो सारे प्रश्न उससे जुड़ पाते हैं। बस ठीक है, इसको फिर कभी अवसर मिलेगा तो जो छूटा हुआ हिस्सा है वो फिर से हो जाएगा। तो इतना बात में कहूँगा, बताइए इन्हीं का कोई और प्रश्न। अभी वो बात आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए चूंकि हम लोग टेक्निकली वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसको सुन करके मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो जो इन्होंने पूछा मैंने उसी बात को रिपीट किया, इन्होंने जो कहा उस बात को रिपीट किया, ताकि आप जो बोल रहे हैं वो भी मैं पहुँचा सकूँ। कोई और प्रश्न किसी का है तो बता सकते हैं। जी, तो कल ये बात हुई थी कि अगर हम देखें तो ठीक, आप पूछ रहे हैं कि सुर असुर देवता देवी इसके बारे कुछ कल आपने कहा था वो बताइए। तो मैंने कहा कि अगर हम लोग देखें तो जो बोर्ड सबसे पीछे दिखाई दे रहा था, पीछे वाले लोगों को ना देखकर मैं बोल देता हूँ जो दिख रहा है, तो एक तो है मिट्टी पानी हवा, जिसको क्या कह रहे हैं पदार्थ अवस्था, एक है प्राण अवस्था जैसे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और एक है जीव अवस्था जिसमें पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, और एक है ज्ञान अवस्था जिसमें हम आप हैं। तो टोटल प्रकृति में कितने तरह की अवस्थाएं हैं, और ये चारों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बहुत कुछ कर रही है, कल उस पर काफी बात हुई। तो क्या लगता है मिट्टी पानी पेड़ पौधे का विरोध कर रही है सहयोग कर रही है, पेड़ पौधे पशु पक्षियों का विरोध कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे का सहयोग करके वृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, और आदमी का भी तीनों मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। आदमी समझा हुआ है तो ये बाकियों का सहयोग करता है, नहीं समझा हुआ है तो सहयोग करने वाले को ही निपटाता रहता है ना। तो अगर इस चारों को देखेंगे तो चारों में एक सुर है, एक व्यवस्था है, जो व्यक्ति भी इस चारों अवस्था के सुर को समझ कर उसमें सुर मिला के जी रहा है उसी को क्या कहा सुर, और जो उस सुर को ना समझे उसमें मनमानी करे उसको क्या कहें, सुर कहें असुर कहें, असुर कहें। तो ये सुर और असुर का मतलब रहा है, वही असुर जब मनमानी लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है तो आप उसको राक्षस बोलने लग जाते हैं थोड़ा मनमानी लेवल और बढ़ा देता है शैतान बोलने लग जाते हैं, ये सब प्रक्रम चलता रहता है। लेकिन मूल बात तो यह है कि प्रकृति में जो चार तरह की व्यवस्थाओं में सुर है, हम उस सुर को समझकर सुर में सुर मिला के जी रहे हैं या बिना समझे अपनी उसमें मनमानी कर रहे हैं, उसी के आधार पर सुर और असुर का तो बंटवारा है। यही जो सुर में सुर मिला के जी रहे हैं, जब पूरी व्यवस्था को समझ लेते हैं तो ज़्यादा जिम्मेदारी से जीने लगते हैं, वो इस बात को नहीं सोचते कि हमको क्या मिल रहा है, वो हर पल इस बात को सोचते हैं कि हम इस व्यवस्था के अर्थ में क्या दे सकते हैं। तो हर पल जो सिर्फ देने के भाव से काम करने लग जाता है उसी को क्या कहने लग जाते हैं देवता ना, तो शरीर भी चलता है और बिना शरीर भी चलता है।